नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया में। और आज हम आपको बताने वाले हैं एक हत्यारे पेड़ के बारे में। जी हाँ, हत्यारा पेड़ जो हर हफ्ते ले लेता है एक जान। इसे आमतौर पर सुसाइड ट्री कहा जाता है, जबकि इसे किलर ट्री या हत्यारा पेड़ कहना ज्यादा उचित होगा। माना जाता है कि ये प्रत्येक हफ्ते में कम से कम एक व्यक्ति को अपना शिकार अवश्य बनाता है। वनस्पति विशेषज्ञों का कहना है कि विश्व में अन्य जहरीले पौधों की तुलना में सर्वेरा ओडोलम नामक ये पेड़ सबसे अधिक जहरीला होता है। सर्वेरा ओडोलम नाम का ये पौधा दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक है, लेकिन ये कितना जानलेवा है इसका अंदाजा शायद आपको नहीं होगा। भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ अन्य देशों में पाया जाने वाला सर्वेरा ओडोलम पौधा इतना जहरीला है कि कई बार इसका उपयोग जान लेने के लिए भी होता है। ऐसा माना जाता है कि हर हफ्ते इस पौधे से कम एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक विश्व में अन्य जहरीले पौधों के मुकाबले सर्वेरा ओडोलम अधिक जहरीला है। सर्वेरा ओडोलम के बीज में सर्वेरिन नामक तत्व पाया जाता है जो विषैला होता है। इसकी कम मात्रा भी शरीर के अंदर चली जाए तो कुछ मिनटों में ही पेट और सिरदर्द, उल्टियां, अनियमित धड़कन, डायरिया जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इसके बाद ये एंजाइम्स और हृदय की कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है और कुछ ही घंटों के अंदर ही इंसान की मृत्यु हो जाती है। काफी हद तक वैसे ही काम करता है जैसे जहरीले इंजेक्शन से मौत की प्रक्रिया होती है। सर्वेरा ओडोलम के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसके निशान ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर इस पेड़ का फल कोई खा ले तो जांचकर्ताओं के लिए ये जानना मुश्किल हो जाएगा कि व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई। कुछ लोग इसे गलती से खा लेते हैं तो कुछ इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। भारत में इसे सुसाइड पेड़ के नाम से भी जाना जाता है।